नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज। आप देख रहे हैं जीएन भारत और अभी मैं मौजूद हूँ रांची बरियातू के आरोग्य भवन में, जहाँ पर आज सरहुल मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सरहुल के इतने दिन बीत जाने के बाद भी आज यहाँ पर सरहुल मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। और जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ के जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो अपने पारंपरिक वस्त्र में पारंपरिक नृत्य कर रहे हैं। और आइए हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं, यहाँ पे जिन लोगों ने आयोजन किया है उनसे बात करते हैं कि कितनी खुशी का माहौल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सांसद संजय सेठ और राज्यसभा सांसद समीर उराव का कैसे स्वागत किया जा रहा है, फूल और तिलक लगाकर इनका स्वागत किया जा रहा है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। सरहुल के इतने दिन बीतने के बाद आज आप लोगों ने सरहुल मिलन समारोह का आयोजन किया है, कितनी खुशी का माहौल है? देखिए, जनजातियों का तो प्रत्येक दिन उत्सव का दिन रहता है, प्रत्येक दिन पर्व के रूप में सभी दिन को एक समान का दृष्टि से मानता है। जहाँ तक सरहुल मिलन का समारोह का बात है तो ये बनवासी कल्याण आश्रम विगत 1991 से लगातार इस कार्यक्रम को करते आया है। बीच में हम सब लोग का एक कारण बना, थोड़ा समय अंतराल का कारण कि बहुत सारा पर्व और त्यौहार था जिसके चलते इतना थोड़ा सा गैप हुआ है। फिर भी हम लोग सरहुल अपने अपने गांवों में अपने टोलो मोहल्ले में मनाते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से एकजुट होकर के एक विचारधारा को, जो प्रकृति का संरक्षण करने का जो उद्देश्य है, जो भाव है, उसको हम लोग आपस में मिल करके चर्चाएँ करते हैं और आगे निरंतर हम लोग बढ़ाने का काम करते हैं। इसी चलते सरहुल मिलन समारोह का आयोजन होता है। न परिचय संदीप उराव, जनजाति सुरक्षा मंच प्रांत संजय। लोग डांस का प्रैक्टिस कर रही है। हाँ, कैमरा से दूर क्यों भाग रही है? बस ऐसे ही शर्म आ रहा है। शर्म किस बात का? ये तो आपके पारंपरिक, आपका पारंपरिक नृत्य है ना? हाँ। तो फिर किस बात का? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप लोग भी आइए, साथ दीजिए। कितनी खुशी का माहौल है? बहुत। सरहुल के लिए पहले सरहुल हुआ था ना, उस दिन नहीं करने सके थे, इसलिए आज प्रोग्राम किए हैं सरहुल मिलन समारोह। हाँ, जो मेहमान जो आया है बाहर से, वो लोग का स्वागत करना है हम लोग को। कितनी खुशी का माहौल? बहुत, मतलब सरहुल मिलन समारोह है तो हम लोग का त्यौहार है, तो बहुत खुश हैं हम लोग, तो खुशी से मना रहे हैं। परिचय? मेरा नाम किरण बांडो हुआ। सरहुल मिलन एक महीना तक लगातार चलते रहता है और सरहुल मिलन के लिए कोई इतना दिन और वो नहीं होता। यहाँ बनवासी कल्याण केंद्र में कभी भी कार्यक्रम हो सकता है सरहुल मिलन समारोह, और जनजातीय विषय में ही यहाँ काम होता है, इसलिए जिस दिन समय इधर रामनवमी बीता और इधर चैती दुर्गा, उसके बाद ये हनुमान जन्म थे, उसका बाद ही यहाँ मनाने का निर्णय लिया गया। वो कमेटी का निर्णय था, सभी सदस्यों का निर्णय था। तो जैसा कि आपने देखा कि सरहुल मिलन समारोह कितनी खुशी से मनाया जा रहा है, लोगों में कितनी खुशी की माहौल है, और कोरोना के बाद आज इतने दिनों बाद सरहुल मनाया जा रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।